प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल सोलन के दौरे पर थे। ठीक उससे पहले सोलन में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने धुआंधार बेटिंग पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आते ही अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में लगातार परिवर्तन करती आई है, जिसके चलते उसे हमेशा हिमाचल की जनता का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पहले वह तबादलों पर रोक लगा रही थी, अब तबादले ही करते जा रही है। वहीं पहले भाजपा नेता कह रहे थे कि हिमाचल को बिकने नहीं दिया जाएगा और अब खुद ही धारा 118 में फेर बदल करने जा रही है, जिससे साबित होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना फर्क है। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि धारा 118 प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे प्रदेश निर्माता यशवंत सिंह परमार ने बहुत ही जदोजहद के बाद इसे लागू करवाया था, जिसकी वजह से प्रदेश की सुंदरता आज भी जिंदा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज प्रदेश सरकार को बने महज 60 दिन हुए हैं, वह सत्ता आते ही न जाने क्यों धारा 118 में संशोधन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने धारा 118 में कोई संशोधन करने का प्रयास किया तो वह इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि सरकार की तरफ से ये आ रहा है कि धारा 118 जो है उसमें वो संशोधन करने जा रही है। हमारा मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि धारा 118 हिमाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हिमाचल के निर्माता डॉक्टर परमार ने बहुत जद्दोजहद के बाद इस धारा को इंसर्ट करवाया था और ताकि हिमाचल को बिकने से बचाया जा सके, हिमाचल की संपत्तियां, हिमाचल की जमीनें, उनको जो है गैर हिमाचलियों के हाथों लगने से बचाया जा सके। और अगर सरकार ने इससे छेड़छाड़ की तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जो है डट के विरोध किया जाएगा। और हमें ये समझ नहीं आता कि जब जब भाजपा की सरकार बनती है सबसे पहले ही धारा 118 की बात आती है। अभी 60 दिन हुए और जो है 118 का जन्म बाहर आ गया।